जी लूँ हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं वक्त नहीं। हमारा चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ताला दे रखा है ना, ताला चाबी। मन बिखरा हुआ है इधर, टीवी के हाल देख रहे हो, पूरा पैर वैर टूट रखा है इसका। वाह क्या बात है। ये हमारा रात का खाना, ये क्या है इसमें? सैलेड। ये पनीर है ना, ये बोतल हमने अलग से ली है। तो ऑलराइट हो गया हमारा खाना पीना, और अभी सोते हैं, बस मिलते हैं सुबह। मॉर्निंग गाइस, हम उठ गए अभी। हमारा रूम का व्यू, ये तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, तौलिया तुलिया डाल रहे हैं अपना, ये भी रख दे अपना गमछा, हमारा बेड था। और मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो यह है गोपीनाथ भूमि गोपेश्वर, और ये सामने है मंदिर मार्ग गोपीनाथ भगवान का। इस होटल में एक छोटी सी बालकोनी है, तो मैं वहाँ से भी आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा बालकोनी से व्यू, और कोहरा लगा पड़ा पूरा पहाड़ियों के ऊपर ऊपर से। बाकी मौसम तो अभी साफ ही नज़र आ रहा है, हो सकता है बारिश नहीं होगी आज। तो यार ये कर दिया हमने अपने बैग वैग तैयार, और अब यहाँ से चलने की बारी है, चलते हैं फटाफट। यहाँ पर कुछ देना तो नहीं है ना क्या करना उनका? तो यार एक गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, और 5-7 मिनट मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी ये गाड़ी, क्योंकि कल रात ये बाहर ही रही और बारिश पूरा ज़बरदस्त वाली आई। तो ये चले हम गोपेश्वर को अलविदा बोलकर। कल हम यहाँ महादेव होटल में रुके थे, बारिश वारिश आ ही रही थी शाम को, तो हमने होटल ढूँढा तो यही मिला यहाँ पे सामने पे, तो ले लिया। और खाने पीने का वो बगल वाले होटल से लिया। तो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप? आई होप ऑल आर यू वेल। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन जो है वो है तुंगनाथ का। बाकी यार रोड वोड का तो पता नहीं, आगे खुली होगी या बंद होगी, जैसी भी होगी, बारिश तो कल रात बहुत तगड़ी आई यहाँ पे, तो आगे जाके ही पता चलेगा। और यार चाय वगैरह का भी देखते हैं कहीं पे, क्योंकि वहाँ पे तो होटल खुला नहीं था अभी तक, तो हमने सोचा कि आगे ही कर लेंगे कहीं पे रुक के। तो यार अभी तेल वेल भी डलवाना है इसमें, देख ऊपर वाले पेट्रोल पंप पे तेल डलवाएंगे। से मंडल पड़ेगा 13 किलोमीटर के राउंड, और वहाँ से चोपता है 26 किलोमीटर के लगभग। बाकी यार मैं अपना जैकेट वैकेट लाना भूल गया। हाँ यार एटीट्यूड पे है, तो हो सकता है वहाँ पे ठंड वंड ज़्यादा लगेगी आजकल भी। तो हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट चोपता के लिए, और पेट्रोल पम्प के लिए भी।
यार अभी यहाँ से मंडल का 12 किलोमीटर और मंडल से है 26 किलोमीटर के राउंड चोपता, और वहाँ से 3 किलोमीटर तुंगनाथ। तो यार वीडियो तो ज़्यादा लंबी बनाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि व्यूज़ वगैरह लाइक वगैरह तो बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए वीडियो बनेगी छोटी। तो ये पहुँच गए हम सगर गाँव, और यहाँ से रुद्रनाथ के लिए पैदल रास्ता जाता है। तो गाइज एक बार ज़रा आगे का व्यू देखिए, बड़ा तगड़ा व्यू आ रहा है। चलने लायक है आगे? आगे आगे। और ये यहाँ पे आ गई है बरसाती आपदा। तो यार हमने वहाँ पे से निकाल ली गाड़ी, बड़ी आफत आई लेकिन निकाल ली। आगे चलना था तो अभी आया नहीं जेसीबी, जेसीबी वाला अभी इसके बाद आएगा शायद। तो यार रोड ओवरऑल पूरी ख़राब हो चुकी है, पत्थर वगैरह सारे कुछ रोड में पड़े हुए हैं। कल रात यहाँ ख़तरनाक बारिश आई। मंडली रुकेंगे शायद, चाय वाय पियेंगे कुछ, उसके बाद निकलेंगे आगे को। अत्रमुनि आश्रम भी यहीं है, तो यहीं पे चाय वाय पियेंगे उसके बाद चलेंगे आगे को। लग गया हम यहाँ से आगे को। अब बारिश तो बंद है नहीं, कैमरा लगाऊंगा कैसे, तो आगे जैसे भी होगा मैं दिखाते रहूँगा आपको। कोहरा भी पूरा लगा पड़ा है, देखिए पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। तो चल रहे हम यहाँ से आगे। तो गाइज ये है चोपता मिनी स्विट्जरलैंड, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बारिश बड़ी तगड़ी लगी हुई है और शायद हल्की हल्की बूंदें आपको भी दिखाई दे रही होंगी कैमरे में। तो ये बड़े हम चोपता से आगे, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर के राउंड तुंगनाथ है। धीरु भाई कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा? बहुत मस्त। आपको लग पा रहा कि आप चढ़ दिन पाएंगे ऊपर? क्यों नहीं, बिल्कुल। और नीचे जो टेंट वेंट लग रहे हैं ये हैं घोड़े खच्चर रहते हैं इन पे, और यहाँ से तुंगनाथ सवारी उठा के लेके जाते हैं लोग। मैं यही हेलमेट पहन के ऊपर जाऊँगा आज। तो गाइज बारिश हो चुकी है बहुत तेज, और चढ़ाई चढ़ने में भी थोड़ा दिक्कतें हो रही, जूते पूरे गीले हो चुके हैं। और अभी यहाँ से काफ़ी है, और ये यहाँ से होता है एक बुग्याल स्टार्ट, छोटा सा बुग्याल नीचे साइड भी और ऊपर की साइड भी, यहाँ पे बुग्याल है और बीचम बीच रास्ता। गाइज अगर कोहरा नहीं लगा होता तो कितना मस्त व्यू आता। और ये यहाँ से रास्ता ऊपर को जाता है और सीधे इधर आगे यहाँ पे। ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर का रास्ता नहीं है, कि जंगल का रास्ता है। हम इसी रास्ते आ रहे हैं, अभी शॉर्ट मारा हमने, इसने कहा कि यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा, तो हम इसी रास्ते आ गए। पता नहीं सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, मालूम नहीं। बस चलते हैं फिर,
ये भाई ले जा रहा, पता नहीं कहाँ को ले जाएगा ये। मालूम नहीं इसने कहा कि यहाँ से रास्ता है, सही होगा या गलत। गाइस जब बोलने का भी मन नहीं कर रहा बारिश में, और ये आगे व्यू बड़े मस्त आते लेकिन कोहरा लगा पड़ा है। ये यहाँ पे कहते हैं पितृधार। तो इधर साइड है आकाश कुंड, जाते हैं यहाँ देखते हैं थोड़ा। और यहाँ पे ये पानी वानी आता होगा पहले, लेकिन अभी नहीं है, अभी साफ भी नहीं है। वो छोटी थकान लगी। तो गाइस यहाँ स्टार्टिंग पे पहले एक गेट था बड़ा सा, और उस पर एक बड़ी सी घंटी थी। आजकल शायद यहाँ काम लग रहा होगा तो इसलिए निकाल के रखी है कहीं। देख रहे हो ये पूरा बुग्याल है नीचे, कहना चाहेंगे जो ये पन्नी वन्नी सारा बुग्याल में फेंकते हैं जो लोग, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी हमारा कि गंदगी ना करें, जो कुरकुरे वगैरह खा रहे हो आप लोग उसको जो है अपनी पॉली वो बैग में रखो। हमने भी तो रखा, जैसे रखा हुआ हमने खुद ही, और उसको फिर डस्टबिन में नीचे जाके चोपता में रख दो। क्या पता कब बारिश आ जाए, पता नहीं चलेगा, फिर हम भीगते हुए जाएंगे जैसे आए हैं यहाँ पे भीगते भीगते। हाँ वही तो, मीन कोहरे का चक्कर में हो गया ना, नहीं तो हमने वहाँ भी जाना था ये चंद्रशिला में।